बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे, अपनी ज़िंदगी में अपने मामलात खुशबाश होंगे। रमज़ान मुबारक का 26वां रोज़ा है और आज 27वीं की शब है, और कहा जाता है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कद्र को ढूंढें। और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर हम लैलतुल कद्र को पा लें तो क्या मांगें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक से मग़फ़रत की दुआ मांगें। और ये दुआ सिखलाई कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। और लैलतुल कद्र की मुबारक जो है वो रातों में, ताक रातों में जो करने वाले काम हैं वो ये हैं कि अगर हो सके तो कम से कम सदका जो है 10 रुपये किया जाए। इमाम काबा ने भी फरमाया और तजवीज़ भी दी, और 2 नफल अदा किए जाएँ अगर, और उसके अलावा जो है वो सूरत इख़लास 3 दफ़ा पढ़ी जाए। इसके अलावा सलात तस्बीह पढ़नी चाहिए, और इसके अलावा जो है वो तमाम मुसलमान जो है, अगर कोई आपसे नाराज़ है, आपकी अज़ीज़ आप रिश्तेदार, उनको मना लेना चाहिए। और आपके दिल में कोई बुग़्ज़, कोई नफ़रत, कोई अदावत किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, सबके लिए प्यार मोहब्बत और एहतराम होना चाहिए। और अल्लाह पाक से अपने अहलखाना, अपने बहन भाई, अपने वालदैन, अपने बीवी बच्चों, सब के लिए मकसद की दुआ करनी चाहिए, और जितना हो सके जो वो इबादत करनी चाहिए। और जो है अल्लाह करीम जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब हमें नासिर अल्लाह ने।